हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं रिग्रेशन की और रिग्रेशन के अंदर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी रिग्रेशन सीरीज़ जो कर्व लीनियर रिग्रेशन के बारे में, और यहाँ मैंने स्पेसिस के कुछ फंक्शनैलिटी बताई थी कि कैसे हम देख सकते हैं कि हमारा ग्राफिकली हमारा जो लाइन आएगी फिट की वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, और इनसे फ्यूचर प्रेडिक्शन में फ़र्क पड़ता है। तो यही चीज़ एक्सेल के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से हम कर सकते हैं। यानी एक चीज़ है फ्यूचर प्रेडिक्शन जो एक्सेल के अंदर आउटस्टैंडिंग है। आइए आज उसकी बात करते हैं। तो मैं डाटा दे रहा हूँ इंडिया और चाइना का, उनकी पॉपुलेशन, और हम ये देखेंगे कि कब, जैसे हम ऐसे बनाते हैं ना चार्ट, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का है, तो मैं देखूँ अगर चाइना को, इंडिया कब चाइना को ओवरटेक कर लेगा पॉपुलेशन में। तो ये एक तो तरीका है, आपके पास पूरा डाटा गिवन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास यहाँ तक 2015 तक का डाटा है और फिर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करें उसके बेस पे, उस पैटर्न पे, तो यहाँ इन्होंने, आई डोंट नो इन्होंने कैसे 2100 तक का ले लिया पॉपुलेशन की डिटेल, पर अगर हम ये माने कि नहीं, हमारे पास तो इतना नहीं है डिटेल, मैं थोड़ा कम डिटेल ले लेता हूँ, 1950 से लेके 2015 तक का डाटा ले लेते हैं। ओके, ये डाटा है और इसको हम ले चलते हैं एक्सेल में। अब पहले तो समस्या ही यहाँ पे ये होगी कि ओके, हैश का मतलब होता है कॉलम की विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। ये तीन कॉलम मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए डाटा में ये है ईयर चाइना इंडिया, पॉपुलेशन है ये लिख लेते हैं, ईयर चाइना और इंडिया। रिमेंबर एक्सेल में हमेशा फर्स्ट रो बनती है हेडिंग के लिए। अब देखिए ये डाटा है मेरा उल्टा लिया हुआ है, 1950 यहाँ है, ये यहाँ है। तो एक काम करते हैं, फिल्टर, डाटा के अंदर हमारा फिल्टर, और फिल्टर में इसको सीधा कर देते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, राइट। अब मुझे डाटा लेना है 2015 तक का, इस डाटा पे मैं काम करूँगा और इसके अनुसार मैं देखता हूँ कि कब इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा, यानी इसकी ग्रोथ रेट होगी, अगर ग्रोथ रेट वही रहे तो। इसके कई सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, आइए उसकी बात करें। सबसे पहले जैसे इसको मैं अगर प्लॉट करूँ, लाइन प्लॉट करते हैं ना, तो प्लॉट करें लाइन, देखो ये क्या आ गया। ये मैंने आपको एक अलग प्लेलिस्ट एक्सेल चार्ट में डिटेल में बताया था, ये यूनिवेरिएट है, ये तो सारे यहाँ चले गए और यहाँ पे एक दो तीन चार आ गए ना, ये एक दो तीन चार ऑब्जर्वेशन का नंबर है और ये हमारा डाटा है। इसका मतलब ये नहीं चाहिए हमें डाटा, जब हमें एक्स एक्सिस पे ईयर चाहिए, वाई पे चाइना, ये हमारा बनता है बाईवेरिएट चार्ट जो है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में ऐसा या ऐसा, ये हो गया हमारा चाइना। और अब इंडिया को डालें, और एक चीज़ देखें, आप ये पूछ सकते हैं मैं इकट्ठा क्यों नहीं डाला, इकट्ठा भी डाल के देख लेते हैं एक बार, अगर हम इनको इकट्ठा डालें तो बनेगी बात, हाँ तो भी बन जाएगी, ऐसे भी कर सकते थे। एडिशनली अगर आपके पास कोई और हो, यहाँ पे थर्ड कंट्री है, रशिया भी है, तो सिलेक्ट डाटा और यहाँ से आप ऐड डाटा, उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अब आगे चलें कि ये तो हो गया हमारा 2015 तक का डाटा, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसकी क्या ग्रोथ रेट है, यानी रिग्रेशन इक्वेशन और फ्यूचर प्रिडिक्शन। अब ये है समथिंग जो एक्सेल, जिसमें वाकई में एक्सेल करता है या आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देता है। आपको याद होगा कि जब भी हम इन पे क्लिक करते थे पुराने वर्जन्स में, पुराने मतलब 2007-10 में, यहाँ पे आपके पास एडिशनल मेनू आ जाते हैं लाइक डिज़ाइन, फॉर्मेट, एक्सेट्रा, उसी में आपका एक मिलेगा यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऑप्शंस, डिज़ाइन, फॉर्मेट, आई थिंक यहाँ एनालिसिस भी आता है, और उसमें ट्रेंड लाइन ऑप्शन 2016 में ये प्लस में कर दिया इन्होंने, ये सारे के सारे जो चीज़ थे हमारे लाइक ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन में लीनियर, एक्सपोनेंशियल, मोर ऑप्शन करते हैं, तो पूछेगा किसका, चाइना का, चाइना का। अब ये ध्यान से देखिए ऑप्शन, मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा करने की। अगर मैं लीनियर, लीनियर बाय डिफॉल्ट है, आप देख भी रहे होंगे डॉट 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 आ भी गया है चाइना में। अब इसमें सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ नीचे है डिस्प्ले आर स्क्वेयर, लो जी आर स्क्वेयर आ गया 0.98, ठीक है। सेकेंड डिस्प्ले इक्वेशन ऑफ द चार्ट, चार्ट की इक्वेशन आ गई, वन इंटू दिस दिस दिस, नहीं चाहिए तो हटा दो इसे, आर स्क्वेयर आ गया। अब ये कैसा, ये तो लीनियर है, पर क्या ये आपको वाकई में स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लाइन बहुत करीब है पर एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल तो सर्टेनली नहीं है, अब इस ग्राफ से मिलाइए, एक्सपोनेंशियल होता है धीरे धीरे चले और बाद में एकदम से इंक्रीज हो जाए, लीनियर लॉग होता है जो शुरू में तेजी से बढ़े बाद में कम हो जाए, ये भी नहीं है, पावर भी नहीं है जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, मूविंग एवरेज भी नहीं, तो हम यहाँ पॉलिनोमियल यूज करते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑर्डर टू, ऑर्डर टू का मतलब अगर इसकी इक्वेशन देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये सीधे कैलकुलेट भी करके दे देगा एक्सेल आपको।
अब इसका आता है रियल चीज, इसमें है फॉरकास्ट, फॉरवर्ड, कितने अगले 10 पीरियड के लिए, 10 साल के लिए मुझे बताइए क्या होने वाला है। ये लो जी आगे ये लाइन चली गई यहाँ पर ये तो मैंने लीनियर पे कर दिया, अभी पॉलिनोमियल पे देखते हैं इसको, 3 कर दिया, 0.998 आर स्क्वायर ऑलमोस्ट ठीक आ गया थर्ड डिग्री के ऊपर। इसका मतलब ये थर्ड डिग्री पे अगर मैं यूज करूँ पॉलिनोमियल का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग तो हमारा बहुत सही आता है, और ये आगे का भी फ्यूचर प्रिडिक्शन हो गया। पॉलिनोमियल से एक्चुअली हमें पता लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा। लॉग बोलेगा एक लेवल के पास रहेगा और फिर कम नहीं होगी, एक्सपोनेंशियल बोलेगा बढ़ता ही जाएगा, पॉलिनोमियल कह रहा है नहीं देखो ये घटेगा एक्चुअली, और आगे आप देखें ना इसे आने वाले सालों में। यही चीज़ इंडिया के लिए करके देखते हैं एक बारी, तो मैं एक बार इंडिया को सिलेक्ट करके और अब करता हूँ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के अंदर मोर ट्रेंड लाइन, आपको अगर पुराना वर्जन है तो आपको यहाँ ऊपर मिलेगा शायद एनालिसिस, ट्रेंड लाइन होगा उसमें आप ढूंढ लेना ये ऑप्शन, मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस में हम पॉलिनोमियल कर देते हैं इंडिया का करेक्ट 3 डिग्री पे, और इसका आर स्क्वायर 0.99 आ रहा है, और इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं 10 साल का। तो दिखाओ जो ग्राफ कहाँ गया हमारा, 10 साल में इसकी लाइन ऐसे जाएगी राइट। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा काफ़ी बड़ा कर लेते हैं, तो देखिए ये आने वाला है कब होगा, समवेयर अराउंड 2020 या 2018 पता नहीं चल रहा ना। और एक काम करते हैं इसको कैसे करें, ये जो ऑप्शन है 50 से 60 से 70 इस पर क्लिक करें, और ये हमारा है फॉर्मेट एक्सिस, ये एक्सिस अपने आप लिए ना इसने 10 10 साल के, इसको बोलते हैं नहीं मिनिमम 1940 है, अगर आप देखना चाहें ना यहाँ से यहाँ तक का तो मिनिमम दे दीजिए, आगे का मेजर यूनिट एक है तो मैं इसको बोलता हूँ नहीं मेजर यूनिट एक एक के स्केल पे बताए, तो अब क्या हो गया ये पर ईयर हो गया 79 78 79 एंड सो ऑन, और माइनर तो हमें चाहिए नहीं। अब सिर्फ थोड़ा सा आपको ये ग्राफ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो क्योंकि अभी ये बिल्कुल ओवरलैप आ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं इसको काफ़ी बड़ा करता हूँ ग्राफ को, तो इससे हमारी वो लाइन आ जानी चाहिए, ये लाइन आ गई है 2019 के करीब, थोड़ा सा बड़ा यहाँ जूम करके देखें, हाँ जी ये लाइन है यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 2018 के शायद सितंबर अक्टूबर के करीब यहाँ पे इंडिया जो चाइना को ओवर सरपास कर देगा। तो ये जो चीज़ है, अब इसमें देखिए कि आगे क्या होने वाला है, इंडिया की तो अभी भी बढ़ेगा क्यूब से भी काफ़ी बाद में जाके गिरेगा, और चाइना का अभी से ये कम होना नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा क्यूब में, और ये इसका 99% पिछले डाटा को फिट इन भी करता है। सो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर, सॉरी, तो इस तरह से एक्सेल के अंदर हम डाटा को फॉरकास्ट कर सकते हैं, इसके अदरवाइज एक्सेल में ऑप्शंस हैं यहाँ पे फॉरकास्ट, जैसे फॉरवर्ड के लिए कर रहे हैं ना। मज़ेदार चीज़ इसमें यह है, अगर आप ये कहो कि अच्छा डाटा तो मेरे पास 50 से तक का है, आप मुझे उल्टा बताइए कि यहाँ पे 40s में 30s में कितना रहा होगा, तो आप बैकवर्ड कर दीजिए, ये आपका पीछे की तरफ भी आ जाएगा, ठीक है, एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं इसे, पिछली साइड पे या अगली साइड पे, इससे हम ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। तो जब भी कभी इस तरह का हमें देखना हो फ्यूचर में क्या होना है, एक्सेल में ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।